मांस अव्वा। इस कहानी का नाम है रहमांस अव्वा। रहमान वाज ए यंग एंड सॉफ्ट स्पोकन एम्प्लॉई हु वर्कड इन ए बीपीओ। रहमान एक नौजवान और मृदुभाषी कर्मचारी था हु वर्कड इन ए बीपीओ, जो कि एक बीपीओ की नौकरी करता था। ठीक है ना। बीपीओ क्या होता है बेटा, कोई एक कंपनी होती है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटलेट है ना, उसमें वो काम करता था। ही वॉज ऑल्सो एन एक्टिव वॉलेंटियर इन अवर फाउंडेशन। वो हमारी फाउंडेशन में एक सक्रिय कार्यकर्ता भी था। जो मैडम का फाउंडेशन है इन्फोसिस फाउंडेशन, उसमें क्या था, वो एक सक्रिय कार्यकर्ता भी था। ही वुड नॉट टॉक विदाउट रीजन। वह बिना किसी कारण के बातें नहीं करता था, फालतू बातें नहीं करता था। एंड वुड नेवर बोस्ट अबाउट हिज अचीवमेंट्स। और कभी भी अपने उपलब्धियों के बारे में बढ़ चढ़ के बातें नहीं बोलता था। बोस्ट, बोस्ट यानी बढ़ चढ़ के बातें नहीं बोलता था। रहमान वाज ए परफेक्शनिस्ट। रहमान एक परफेक्शनिस्ट था, हर चीज उसको परफेक्ट चाहिए थी बिल्कुल। सो एनी असाइनमेंट गिवन टू हिम, जो आता है उसको जो भी काम दिया जाता था, वॉज डन एक्सीडिंगली वेल, वो उसको बहुत अच्छी तरह से करता था। ही वर्कड फॉर द फाउंडेशन। वह हमारी फाउंडेशन के लिए काम करता था ऑन द वीकेंड्स, सप्ताह के अंत में। कहाँ काम करता था वो, सप्ताह के अंत में हमारे फाउंडेशन के लिए कार्य करता था। एंड वॉज वेरी काइंड टू द चिल्ड्रन इन द ऑर्फनेज। और वो जो ऑर्फनेज के अंदर बच्चे थे, अनाथालय के अंदर जो बच्चे थे, उनके प्रति क्या था, वो बहुत दयालु था। ही स्पेंट हिज ओन मनी एंड ऑलवेज ब्रॉट स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रन। वह हमेशा अपना पैसा खर्च करता था और हमेशा जब भी आता था तो बच्चों के लिए क्या लेके आता था, मिठाइयाँ लाता था। आई रियली लाइक्ड हिम, मैं उसे बहुत पसंद करती थी। सिंस वी वर्कड क्लोजली टूगेदर, चूंकि हम बिल्कुल पास पास काम करते थे। ही लर्नड दैट आई एम फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटका। उसको पता चला कि मैं उत्तरी कर्नाटक से हूँ, फ्रॉम धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, धारवाड़ जिले से, उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ जिले से हूँ। उसको पता चला माई लैंग्वेज हैज़ द एरियाज एक्सेंट। माई लैंग्वेज हैज़ दैट एरियाज एक्सेंट। मेरी जो भाषा थी उसमें उस क्षेत्र की क्या थी, एक्सेंट था, स्वर जो होता है ना वो था उस क्षेत्र का। एंड माई लव फॉर धारवाड़ फूड इज़ वेरी वेल नोन। और धारवाड़ का जो भोजन होता है उसके जो प्रति मेरा प्यार है उसको वो अच्छी तरह से जानता था। वन डे, एक दिन, रहमान केम, रहमान आया, एंड आस्क्ड मी, और उसने मुझसे पूछा, मैम इफ़ यू आर फ्री दिस संडे, अगर आप इस संडे फ्री हो, विल यू कम टू माई हाउस, क्या तुम मेरे हमारे घर आओगी। माई मदर एंड सिस्टर आर विजिटिंग मी, मेरी माँ और मेरी बहन मेरे घर आने वाली हैं। इंसिडेंटली माई मदर इज ऑल्सो फ्रॉम धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट। संयोगवश मेरी माँ भी धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट से है। कौन है ये रहमान? रहमान कौन होते हैं बताओ? मुस्लिम। ठीक है। माई फैमिली हैज रेड यूअर कॉलम्स इन कन्नड़ा। मेरी परिवार ने कॉलम्स पढ़े हैं, अखबार के अंदर वो छपते हैं ना, कॉलम छपते हैं, वो पढ़े हैं। एंड यूअर बुक्स टू, और तुम्हारी किताबें भी पढ़ी हैं। तो रहमान कह रहा है कि मेरे परिवार ने, मेरी मम्मी ने, मेरी बहन ने, आप जो कन्नड़ में आप लिखती हो, कन्नड़ भाषा में जो आप लिखती हो, अखबार में लेख लिखती हो, मेरी बहन ने, और वो क्या है, वो उनको पढ़ा है। When I told them, जब मैंने उन्हें बताया that I am working with you, कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, जब मैंने बताया उन्हें कि मैं सुधा मूर्ति मैडम के साथ काम करता हूँ, they expressed their earnest desire to meet you, तो उन्होंने आपसे मिलने की बड़ी ज़्यादा इच्छा उन्होंने जाहिर की है। Is it possible for you to have lunch with us? क्या ये संभव होगा कि संडे को आप हमारे साथ क्या कर सको, लंच कर सको। Will you assure me that I will get a good धारवाड़ food? I joked. मैंने जोक किया, मैडम वो कह रही है, मैंने जोक किया कि क्या तुम एश्योर करते हो कि मुझे वहाँ पर धारवाड़ी फूड मिलेगा खाने के लिए, धारवाड़ का फूड मुझे मिलेगा। आई अश्योर यू मैम, मैं आपको वादा करता हूँ। माई मदर इज ए ग्रेट कुक, मेरी माँ एक बहुत अच्छी कुक हैं, बहुत अच्छा खाना वो पकाती हैं, तो इसका मतलब आपको धारवाड़ का फूड खाने को वहाँ मिल जाएगा। कम ऑन रहमान, एवरी बॉय gives this compliment to his mother. अरे रहमान, हर बच्चा अपनी माँ के लिए ऐसे विशेषण प्रयोग करता है, हर बच्चा अपनी माँ की क्या करता है, तारीफ करता है, अपने माँ के खाने की वो तारीफ करता है। However,
बैड सी मे बी एट कुकिंग, चाहे भले ही उसको खाना उसका क्या हो बैड हो, उसको अच्छे तरह खाना नहीं पकाना आता हो, फिर भी एक बच्चा जो होता है वो अपनी माँ की खाने की क्या करता है, वो हमेशा प्रशंसा करता है। इट इज द मदर्स लव दैट मेक्स द फूड ग्रेट, ये माँ का प्यार होता है जो भोजन को क्या बनाता है, ग्रेट बनाता है। नो नहीं, सी रियली इज एन अमेजिंग कुक, नहीं वो वास्तव में क्या है, एक बहुत शानदार कुक हैं। इवन माई वाइफ सेज सो, मेरी पत्नी भी ऐसा कहती हैं। देन सी मस्ट बी रियली ग्रेट, फिर तो वो बिल्कुल वास्तव में अगर बहू स्वीकार कर रही है तो इसका मतलब वो पक्का क्या है, अच्छा खाना वो पकाती है। देन सी मस्ट बी रियली ग्रेट बिकॉज नो डॉटर इन लॉ प्रेजेज हर मदर्स इन लॉज कुकिंग, क्योंकि कोई भी बहू जो होती है वो अपने सास के खाने को पसंद नहीं करती है, पकाए हुए खाने को पसंद नहीं करती है विदाउट मेरिट, जब तक कि कोई उसमें बहुत ज़्यादा क्या नहीं हो, बहुत ज़्यादा गुण नहीं हो। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराई। बाय द वे, अच्छा ये बताओ विच विलेज इन धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट डू दे कम फ्रॉम, धारवाड़ जिले के किस गांव से वो हैं, अर्थात धारवाड़ जिले के वो किस गांव से हैं। ही टोल्ड मी द नेम ऑफ ए विलेज नियर रैने बेनोर, उसने मुझे एक गांव का नाम बताया जो किसके किसके पास था, रैने बेनूर के पास था, दैट आई हैड नेवर हर्ड ऑफ, जैसे कि मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं था, छोटा सा गांव होगा कोई उसके बारे में उसने सुना ही नहीं था। आई हैप्पीली एग्रीड टू विजिट देम फॉर लंच, मैंने उसको हंसी खुशी एग्री कर लिया कि मैं लंच के लिए तुम्हारे घर आऊंगी। दैट संडे, उस संडे को आई टुक सम फ्लावर्स अलॉन्ग, मैं कुछ अपने साथ क्या लेके गई, फूल लेके गई। रहमान्स न्यूली कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट वाज ऑन द बैनरघट्टा रोड नियर द जू, जो रहमान का नया बनाया हुआ अपार्टमेंट था, अपार्टमेंट का मतलब होता है बेटा जो फ्लैट होते हैं ना, तो रहमान का जो फ्लैट था वो बैनरघट्टा रोड पर था नियर द जू, किसके पास, जू के पास था वो। When I entered his home, जब मैं उन्हें उसके घर प्रवेश किया, घर में अंदर में घुसी, I met his wife, सलमा, तो मैं मुझे मेरा सामना किससे हुआ, उसकी पत्नी सलमा के साथ। वो सलमा कौन है, रहमान की पत्नी है। सी वाज ए स्मार्ट एंड गुड लुकिंग गर्ल, वो बहुत एक स्मार्ट और सुंदर दिखने वाली लड़की, सुंदर दिखने जैसी लड़की थी। सी वर्कड एज ए टीचर इन द किंडर गार्टन नियर बाय, वो एक किंडर गार्टन में, किंडर गार्टन होता है छोटे बच्चों का स्कूल होता है, उसमें वो टीचर का काम करती थी सलमा। देन ही कॉल्ड आउट टू हिज अव्वा, देन ही कॉल्ड आउट टू हिज अव्वा, फिर उसने अपनी अव्वा को पुकारा। ए मदर इज यूजली रेफर्ड टू एज अव्वा इन नॉर्थ कर्नाटका, उत्तरी कर्नाटक में माँ को क्या कहा जाता है, अव्वा कहा जाता है, इसलिए इस लेसन का क्या नाम है बताओ, रहमान्स अव्वा, रहमान की माँ। ओके, एन ओल्ड लेडी विद ग्रे हेयर केम आउट ऑफ द किचन, एक वृद्ध महिला जिसके कि कैसे बाल थे, ग्रे हेयर सफेद बाल थे, के किचन से बाहर आई। रहमान इंट्रोड्यूस्ड हर, रहमान ने उसका परिचय कराया। दिस इज माई मदर, ये मेरी माँ है। आई वॉज ए बिट सरप्राइज, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। सी वॉज नॉट क्वाइट वॉट आई हैड एक्सपेक्टेड, वो ऐसी नहीं थी जैसा कि मैंने कल्पना करी थी। सी वॉज वियरिंग ए ह्यूज बिंदी द साइज ऑफ ए 25 पैसा कॉइन, उसने एक बिंदी पहन रखी थी कितनी बड़ी, 25 पैसे के सिक्के जैसी क्या लगा रखी थी उसने, एक जितना 25 पैसे का सिक्का होता है इतनी बड़ी उसने क्या लगा रखी थी, एक बिंदी लगा रखी थी। एंड एन इल्कल साड़ी विद लॉट्स ऑफ ग्रीन बेंगल्स ऑन बोथ आर्म्स, और उसने एक इल्कल साड़ी पहन रखी थी, वहाँ की कोई उस तरह की साड़ी होती है, एक साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथों पे क्या थे, दोनों हाथों पे बोथ आर्म्स, उसकी दोनों हाथों पे क्या थे, बेंगल्स, बेंगल्स यानी चूड़ियाँ पहन रखी थी। बताओ मुस्लिम्स में होते हैं कि ये नहीं होता, मुस्लिम्स में क्या नहीं पहनती, बिंदी लगाती हैं महिलाएं, नहीं लगाती, बैंगल्स पहनती हैं, नहीं पहनती, साड़ी पहनती हैं, नहीं पहनती, तो उनको क्या हुआ बताओ, आश्चर्य हुआ है ना, जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था मैडम ने ऐसा वहां पे कुछ नहीं था। सी कैप्ड द साड़ी पल्लू ऑन हर हेड, उसने साड़ी का पल्लू कहाँ रखा रहा था, ने सिर पे रख रखा था। सी हैड ए कंटेम्प्टेड स्माइल, कंटेंटेड स्माइल,
उनकी जो स्माइल थी वो बहुत ही संतोषप्रद थी, जैसे होता ना सब कुछ आनंद है, कंटेड स्माइल थी ऑन हर फेस उनके चेहरे पर, एंड विद फोल्डेड हैंड सी सैड नमस्ते, और उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के क्या बोला, नमस्ते। जबकि मुसलमानों में तो क्या बोलते हैं, दूसरी चीज़ें बोलते हैं ना, सलाम अलैकुम इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। रहमान सिस्टर एंटर्ड फ्रॉम द अनदर रूम, रहमान की बहन ने दूसरे कमरे से प्रवेश किया। सी वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम रहमान, वो रहमान से बिल्कुल डिफरेंट थी, उसकी जो बहन थी वो बिल्कुल क्या थी, रहमान से बहुत डिफरेंट थी। रहमान वाज ए फेयर एंड वेरी हैंडसम, रहमान बहुत फेयर और हैंडसम था। हर सिस्टर हिज सिस्टर वाज टॉल एंड डार्क, जबकि उसकी सिस्टर लंबी और सांवली थी, जबकि उसकी सिस्टर क्या थी, लंबी और सांवली थी। आ रहा ना सबके समझ में, गुड। सी वॉज वियरिंग ए कॉटन साड़ी, उसने एक कॉटन की साड़ी पहन रखी थी। विद ए स्मॉलर बिंदी देन हर मदर, अपनी माँ से छोटी बिंदी उसने लगा रखी थी। एंड ऑल्सो हैड टू गोल्ड बैंगल्स ऑन हर हैंड्स, और उसके दोनों हाथों पर क्या थे, गोल्ड के सोने की चूड़ियाँ थीं। रहमान सेड, रहमान ने कहा, दिस इज माई सिस्टर उषा, ये मेरी सिस्टर उषा है। क्या नाम है, उषा नाम है उसका। सी स्टेज इन हीरेकेरूर, वह हीरेकेरूर में रहती है। बोथ हर हस्बैंड एंड सी आर स्कूल टीचर्स, इसके पति और ये दोनों क्या हैं, स्कूल टीचर हैं। आई फेल्ट कन्फ्यूज्ड आफ्टर मीटिंग रहमान्स मदर एंड सिस्टर, मैं रहमान की माँ और बहन से मिलके क्या हो गई, कन्फ्यूज हो गई। बट आई डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, लेकिन मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, कि इतनी जल्दी प्रश्न पूछना ठीक नहीं है। आफ्टर आई सेट डाउन कम्फर्टेबली, जब मैं आराम से बैठ गई, उषा सेड, उषा ने कहा, उषा कौन है बताओ, सिस्टर, यस। मैडम वी लव यूर स्टोरीज, हम आपकी कहानियाँ बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज वी फील कनेक्टेड टू देम, क्योंकि हम उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। आई टीच सम ऑफ यूर चिल्ड्रंस स्टोरीज एट स्कूल, मैं हमारे स्कूल में आपकी कुछ जो बच्चों की कहानियाँ हैं वो भी बच्चों को सुनाती हूँ। सलमा ऑल्सो ज्वाइंड द कन्वर्सेशन, सलमा ने भी वार्तालाप में हिस्सा ले लिया। कौन आ गई, उसकी पत्नी भी वहाँ पे आ गई, सलमा भी आ गई। इवन आई लाइक देम, मैं भी उनको पसंद करती हूँ, बट माई स्टूडेंट्स आर टू यंग टू अंडरस्टैंड, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना किंडरगार्टन पढ़ाती है ना, वो मेरे बच्चे क्या हैं, अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए वो आपकी स्टोरी समझ नहीं पाएंगे। रहमान स्माइल्ड एंड सैड, रहमान मुस्कुराया और बोला, यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, आपको आश्चर्य हो रहा होगा टू सी माई मदर एंड सिस्टर, मेरी माँ और बहन को देख के आपको क्या हो रहा होगा, आश्चर्य हो रहा होगा। आई वॉन्ट टू शेयर माई स्टोरी विद यू, मैं मेरी कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हिज मदर वेंट बैक टू किचन, उसकी माँ किचन में चली गई। एंड उषा स्टार्टेड क्लीनिंग द टेबल, और उषा ने टेबल को साफ करना शुरू कर दिया। सलमा वेंट टू हेल्प हर मदर इन लॉ, सलमा अपनी सासू माँ की सहायता करने चली गई। ओनली द टू ऑफ अस रिमेंड, हम दोनों वहाँ पे रह गए, कौन, सुधा मूर्ति मैम और रहमान। मैम यू मस्ट बी वंडरिंग, मैम आप आश्चर्य कर रही होंगी, व्हाई माय मदर एंड सिस्टर आर हिंदूस व्हाइल आई एम ए मुस्लिम, कि मेरी माँ और बहन हिंदू क्यों हैं और मैं मुस्लिम क्यों हूँ। इसके ऊपर आपको क्या हो रहा होगा, आश्चर्य हो रहा होगा। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड एंड अप्रिसिएट माई लाइफ स्टोरी, बिकॉज आई हैव सीन यू हेल्पिंग पीपुल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज विदाउट बायस। ओनली यू कैन, सिर्फ तुम समझ सकती हो और तुम ही प्रशंसा कर सकती हो मेरे जीवन की कहानी का, मेरे जीवन की कहानी को तुम ही समझ सकती हो, तुम ही प्रशंसा कर सकती हो, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हें मदद करते हुए, सब धर्मों के लोगों की और सब समुदायों के लोगों की मदद करते हुए मैंने आपको देखा है, विदाउट बायस, बिना किसी पूर्वाग्रह के, यानी आप हिंदू मुस्लिम नहीं करती हो, है ना, इसलिए मैं, मेरी कहानी आपसे शेयर करना उचित समझा है मैंने। आई रिमेंबर यू योर कमेंट टू मी, मुझे याद है जो आपने मेरे ऊपर टिप्पणी की थी, वी कैन नॉट चूज द कम्युनिटी और रिलीजन दैट वी आर बॉर्न इनटू, यानी हम जिस भी संप्रदाय और धर्म में जन्म लेते हैं उसका हम चयन नहीं कर सकते हैं, वो तो ईश्वर की मर्जी है, हमें जिस धर्म में भेजेगा, जिस भी समुदाय में भेजेगा। सो वी शुड नेवर थिंक, अतः हमें कभी नहीं सोचना चाहिए, दैट आवर कम्युनिटी इज आवर आइडेंटिटी, कि हमारा समुदाय ही हमारी पहचान है, ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। रहमान पॉज्ड, रहमान थोड़ी देर रुका, देन कंटिन्यूड, फिर उसने जारी किया, मैम आई बिलीव इन दैट टू,
मैं भी इसी में विश्वास करता हूँ, बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन ब्रॉट अप दैट वे, क्योंकि मेरा जीवन जो मेरा पालन हुआ है, मेरे जीवन का है ना, मेरे जो लालन पालन हुआ है वो भी इसी तरह से हुआ है, जिस तरह से आपके विचार हैं, मेरा जो जीवन, मेरी जो पालन हुआ है जीवन में, वो भी किसकी तरह हुआ है, इसी प्रकार हुआ है। आई वॉन्ट टू शेयर माई लाइफ एंड माई परस्पेक्टिव विद यू, मैं अपना जीवन और मेरा जो दृष्टिकोण है वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। रहमान स्टार्टेड हिज स्टोरी, रहमान ने अपनी कहानी शुरू कर दी। 30 years ago, 30 वर्ष पुरानी बात है, काशीबाई एंड दत्तूराम लिव्ड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर विलेज विद देयर 6 months ओल्ड डॉटर उषा। 30 वर्ष पुरानी बात है, काशीबाई और दत्तूराम रहते थे आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर विलेज, हमारे गांव के बाहर दूसरे छोर पर रहते थे, विद देयर 6 months ओल्ड डॉटर उषा, अपनी 6 माह की बच्ची उषा के साथ। कौन रहते थे? काशीबाई और दत्तूराम। तो काशीबाई और दत्तूराम कौन है? उषा के फादर मदर हैं। दे लुक्ड आफ्टर द 10-acre फील्ड और ऑफ देयर लैंडलॉर्ड, उनके मकान मालिक का एक 10 एकड़ का फील्ड है ना, फील्ड था, उस खेत था, उसकी क्या करते थे, वो देखभाल करते थे, उसकी खेती का काम वो देखते थे। श्रीकांत देसाई, उस लैंडलॉर्ड का क्या नाम है? श्रीकांत देसाई, जो मकान मालिक, वो मालिक है उस जमीन का, उसकी वो क्या करते हैं, देखभाल करते थे। हु लिव्ड इन बॉम्बे, जो खुद कहाँ रहता था? बॉम्बे में रहता था। श्रीकांत ओनली केम वंस ए ईयर टू कलेक्ट द रेवेन्यू, श्रीकांत वर्ष में सिर्फ एक बार आता था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, पैसा लेने के लिए, सिर्फ किस में आता था वो, वर्ष में एक बार आता था। द फील्ड वॉज वेरी लार्ज, खेत बहुत बड़ा था, एंड इट वॉज टू मच फॉर काशीबाई एंड दत्तूराम टू हैंडल, और काशीबाई और दत्तूराम के लिए उसको संभालना क्या था, बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो खेत क्या था, बहुत बड़ा खेत था। सो दे रिक्वेस्टेड द लैंडलॉर्ड, अतः उन्होंने लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट की टू गेट अनदर फैमिली, कि एक दूसरा परिवार भी ले आओ आप, है ना, टू स्टे विद देम, जो उनके साथ रह ले, एंड हेल्प देम इन फील्ड, और जो खेत में उनकी क्या कर दे, मदद करे, यानी एक परिवार और दे दो हमें, क्योंकि हम दोनों इसको, इतने बड़े खेत को संभाल नहीं पा रहे हैं। दे ऑल्सो वेलकम्ड द थॉट ऑफ हैविंग कंपनी, है ना, और उन्होंने कि उनको कंपनी मिल जाएगी, कोई दूसरा परिवार आ जाएगा, तो इस चीज का भी उन्होंने क्या किया, स्वागत किया। श्रीकांत कॉन्ट्रैक्टेड हिज एक्वेंटेंसेस एंड फाउंड, श्रीकांत ने अपने जो मिलने जुलने वाले थे उनसे संपर्क किया, और उन्होंने पाया ए सूटेबल फैमिली सून, उनको एक जल्दी ही एक सूटेबल फैमिली मिल गई, फातिमा बी एंड हुसैन साहब केम टू द विलेज। कौन आ गए? फातिमा बी और हुसैन साहब, ये कौन है बताओ? दोनों मुस्लिम हैं, ठीक है। पहले कौन रह रहे हैं बताओ? काशीबाई और दत्तूराम, वो कौन है? हिंदू हैं, है ना। अब एक दूसरा परिवार आ गया, वो कौन है बोलो? मुस्लिम हैं। क्या नाम है उनका? फातिमा बी और हुसैन साहब। दे ऑक्यूपाइड वन पोर्शन ऑफ द हाउस, उन्होंने उस घर का एक हिस्सा ले लिया उन्होंने, क्योंकि बड़ा घर था वहां पे, फार्म हाउस पे घर भी था, उन्होंने एक हिस्सा बड़ा ले लिया उन्होंने। एंड द अदर पोर्शन स्टेड विद काशीबाई एंड दत्तूराम, और दूसरा पोर्शन किसके पास रह गया? काशीबाई और दत्तूराम के पास रह गया। हुसैन साहब एंड दत्तूराम गॉट अलोंग वेरी वेल, हुसैन साहब और दत्तूराम की अच्छी पटती थी। कैसी पटती थी उनकी? अच्छी पटती थी। हाउएवर, यद्यपि काशीबाई एंड फातिमा बी डिड नॉट सी आई टू आई एट ऑल, लेकिन फातिमा बी और काशीबाई को एक दूसरे की सकल ही पसंद नहीं थी, है ना, आंख से आंख नहीं मिलाना वो चाहती थी। इट इज नॉट दैट दे वर बैड वुमेन, ऐसा नहीं है कि वो बुरी औरतें थीं, ऐसा नहीं है कि वो बुरी औरतें थीं, बट दे आर नेचर वर वेरी डिफरेंट, लेकिन उनके जो नेचर थे दोनों के, वो क्या थे, बिल्कुल अलग थे। काशीबाई वाज लाउड, काशीबाई थोड़ा जोर से बोलती थी, कैसी थी वो, थोड़ा जोर से बोलती थी, वेरी फ्रैंक, बिल्कुल खरी खरी बोलने वाली थी, एंड हार्ड वर्किंग, और कठोर मेहनती थी। फातिमा बी वाज क्वाइट, फातिमा बी कैसी थी, शांत थी, लेजी, आलसी थी, एंड इंट्रोवर्ट, और अंतर्मुखी थी, ज़्यादा बातें नहीं करना, किसी से चुपचाप रहना, इस तरह के। तो दोनों के नेचर कैसे थे बताओ? बिल्कुल अलग अलग थे, इसलिए उन दोनों में क्या नहीं थी, पटती नहीं थी, दोनों जो हस्बैंड थे उनमें अच्छी पटती थी।
इनएविटेबली इसका परिणाम यह हुआ, देयर वॉज ए फाइट, उनमें लड़ाई होती रहती थी। इट ऑल स्टार्टेड विद ए हेन, और ये लड़ाई कहां से शुरू हुई? मुर्गी से। मुर्गी से शुरू हुई। काशीबाई हेन वुड कम टू फातिमा बीज पोर्शन, काशीबाई की जो मुर्गी थी वो फातिमा के पोर्शन में पहुंच गई, है ना, एंड ले एग्स, और वहां पे अंडे दे दिए उसने। फातिमा वी वुड नॉट रिटर्न, उसने लौटा नहीं रही, बोली तो मेरे। फातिमा वी वुड नॉट रिटर्न द एग्स बिकॉज सी थॉट दैट हर हेन लेड देम, उसने क्या सोचा कि मेरी मुर्गी ने दिए इसलिए मैं नहीं लौटाऊं। इस चीज से क्या हुई, उनकी लड़ाई की शुरुआत और हो गई। काशीबाई इवन टायर्ड कलरिंग हर हेन टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम फातिमा बीज बोथ द, उसने काशीबाई ने क्या कर दिया, अपनी मुर्गियों पे पोत दिया, कलर पोत दिया, जिससे कि क्या हो जाए, पहचान हो जाए। बोथ द लेडीज शेयर्ड ए कॉमन बेल, एक कुआं था, दोनों लेडीज वहां पे उस कुएं को शेयर करती थी, वहां पे सेम कुआं था उनका, एंड वुड फाइट, और उनमें लड़ाई हो जाती थी, बिकॉज बोथ वांटेड टू वॉश देयर वेसल्स, क्योंकि दोनों चाहती थी अपने बर्तनों को धोना और क्लोथ्स कपड़ों को धोना, ऑलमोस्ट ऑलवेज एट द सेम टाइम, बिल्कुल एक ही टाइम पे, बोल नहीं मेरा टाइम है तो धोने का, मैं धोऊंगी, है ना, तो सेम टाइम पे बर्तन और कपड़े धोने में उनमें क्या हो जाती थी, लड़ाई हो जाती, क्योंकि कुआं क्या था, एक ही था। दे ऑल्सो फॉट अबाउट देयर गोट्स, वो अपनी बकरियों के बारे में लड़ाई लड़ती रहती थी। फातिमा बीज गोट्स केम एंड एट काशीबाई फ्लावर्स एंड लीव्स, फातिमा बी के जो बकरियां थी वो काशीबाई के फूलों को और पत्तियों को खा गई, विच सी यूज फॉर हर पूजा, जो कि किसके काम में लेती थी, वो पूजा के काम में लेती थी काशीबाई, उनको वो खा गई, बकरियां खा गई। समटाइम्स कभी कभी काशीबाई गोट्स वेंट टू फातिमा बीज प्लेस, कभी कभी काशीबाई की बकरियां फातिमा बी के उधर घुस जाती एंड लेफ्ट देयर ड्रॉपिंग्स बिहाइंड, और अपनी मिंगनी कर देती थी वहां पे, उसके घर में क्या कर देती थी, समझते हो ना, ड्रॉपिंग्स, मिंगनी जो होती है वो कर देती थी वहां पे। फातिमा वी वुड नॉट रिटर्न द ड्रॉपिंग्स आइदर, फातिमा भी उन मिंगड़ियों को लौटाती नहीं थी, क्योंकि ये किस काम आएंगी, खाद होती है वो, तो मिंगड़ियों के ऊपर लड़ाई होती थी उनमें, तो देयर वर सो मेनी रीजंस ऑफ क्वेरल, क्या थे उनमें, बहुत सारे कारण थे लड़ाई के। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट ड्रॉपिंग्स आई इंटरप्रिटेड, मैंने थोड़ा सा रोका, मैंने टोका कि मिंगड़ियों के बारे में ऐसी क्या बात थी कि वो लड़ने लग जाती थी आपस में, मैडम कह रही है कि भाई मिंगड़ियों में ऐसी क्या थी कि वो लड़ने लग जाती थी। मैम गोट ड्रॉपिंग्स आर यूज एज मैन्योर, मैम जो गोट्स की जो मिंगड़ियाँ होती हैं वो किसके रूप में काम आती हैं, खाद के रूप में काम आती हैं। ओह आई अंडरस्टैंड, हाँ ओह मैं समझ गई, प्लीज कंटिन्यू, अपनी बात जारी रखो। आई अर्ज रहमान, मैंने रहमान से कहा। द फाइट्स कंटिन्यू, लड़ाइयाँ जारी रहीं, एंड समटाइम्स, और कभी कभी काशीबाई फेल्ट दैट, काशीबाई ने सोचा सी हैड मेड ए मिस्टेक, गलती कर दी मैंने तो इसको बुला के यहाँ, है ना, मैंने गलती कर दी, टू टेल देयर लैंडलॉर्ड, अपने लैंडलॉर्ड को बता के, मकान मालिक को, दैट दे वॉन्टेड नेवर्स, उनको पड़ोसी चाहिए, गलती कर दी इसको बुला के यहाँ। She felt that she had been very happy without Fatima bhi. उसको महसूस लगता था कि कितना अच्छा होता ये नहीं आती तो, हम तो अकेले बढ़िया थे। फातिमा बी ऑल्सो वॉन्टेड टू लीव द फार्म, फातिमा बी भी वहां से जाना चाहती थी, छोड़ना चाहती थी उस फार्म को, टू गो सम अदर विलेज, किसी दूसरे गांव में जाना चाहती थी, क्योंकि रोज लड़ाई झगड़े होते थे उनमें। बट हुसैन साहब डिड नॉट एग्री, लेकिन हुसैन साहब नहीं बोला, हम तो ठीक है, क्योंकि उन दोनों की क्या थी, अच्छी पड़ती थी, हुसैन साहब इससे क्या थे, सहमत नहीं थे। ही वुड से, वो कहते थे, यू वुमेन फाइट अबाउट अननेसेसरी थिंग्स, तुम औरतें बिना मतलब की चीजों पे लड़ती रहती हो, दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू मेक मनी, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हम पैसे कमा लें। द लैंड इज फर्टाइल, जमीन बहुत उपजाऊ है, एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर, यहाँ पे खूब सारा पानी भी है। अवर लैंडलॉर्ड इज ए गुड, एंड हमारा जो मकान मालिक, हमारा जो मालिक है वो क्या है, बहुत अच्छा है, एंड हार्डली विजिट्स, और वो कभी कभी तो आता है, मुश्किल से यहाँ आता है, इसलिए ऐसे मौके हमको बाद में नहीं मिलेंगे। वी कैन ईजिली ग्रो वेजिटेबल्स, हम आसानी से वेजिटेबल्स भी उगा सकते हैं यहाँ पे। वेयर कैन आई गेट सच वर्क नियर बाई, इस तरह का काम मुझे आसपास कहाँ मिलेगा, कौन कह रहे हैं बताओ ये, फातिमा बी के हस्बैंड हुसैन साहब कह रहे हैं फातिमा से। यू शुड ऑल्सो बिकम एक्टिव लाइक काशीबाई,
एंड ड्रॉप योर ईगो. तुम्हें भी काशी भाई के जैसे एक्टिव हो जाना चाहिए, लेजी थी ना वो, एक्टिव हो जाना चाहिए. एंड ड्रॉप योर ईगो, अपनी ईगो को क्या कर दो, छोड़ दो. ट्राई टू एडजस्ट विद हर, उसके साथ थोड़ा एडजस्ट होने की कोशिश करो. द सेम कन्वर्सेशन वुड हैपन ऑन द अदर साइड ऑफ द हाउस, ऐसी ही बात कहाँ होती थी, दूसरी तरफ होती थी, है ना. वही काशी भाई शिकायत करती होगी दत्तू राम से, दत्तू राम भी ऐसी ही बातें उसको कहता होगा. दत्तू राम टोल्ड वुड टेल हिज वाइफ, दत्तू राम अपनी पत्नी से कहता था, डोंट बी सो एग्रेसिव, इतना ज्यादा क्यों एग्रेसिव हो रही हो, इतना ज्यादा क्यों गुस्सा करती हो, यू शुड मेलो डाउन लाइक फातिमा, तुम भी फातिमा की तरह थोड़ा सा नरम हो जाओ. दो सी इज लेजी, हालांकि वो लेजी है, सी इज गुड नेचर, लेकिन उसका नेचर बहुत अच्छा है. बट एज यूजुअल, लेकिन जैसा कि होता है, बोथ वुमेन नेवर लिसन टू देयर हस्बैंड्स, दोनों औरतें अपने पति की नहीं सुनती थीं. ए टाइम वेंट बाई, समय गुजरता गया. काशीबाई डॉटर उषा टर्न्ड टू ईयर्स ओल्ड, काशीबाई की बेटी उषा दो वर्ष की हो गई. फातिमा वी लव्ड चिल्ड्रन, फातिमा भी को बच्चे बहुत पसंद थे. एंड एन्जॉयड सीइंग उषा प्ले इन द फील्ड, और उषा को खेतों में खेलते हुए बहुत अच्छा लगता था उसे. फातिमा भी लाइक्ड हिना ए लॉट, फातिमा भी को हिना बहुत पसंद थी, मेहंदी बहुत पसंद थी उसे. एवरी मंथ, हर महीने सी कलर्ड हर हैंड विद हिना, हर महीने वो अपने हाथों को मेहंदी से रंगती थी. फ्रॉम द प्लांट इन द फील्ड, खेत के अंदर क्या था, हिना का पौधा था उससे. एंड उषा ऑलवेज जॉइंडर, और उषा भी उसको क्या कर लेती थी, ज्वाइन कर लेती. उषा भी अपने छोटे छोटे हाथों पर उससे फातिमा भी से क्या लगवाती थी, मेहंदी लगवाती थी. उषा वाज फैसिनेटेड विद द ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर, उषा को सुंदर वो जो ऑरेंज कलर था मेहंदी का वो क्या लगता था, बहुत अच्छा लगता था. शी वुड कम होम एंड टेल हर मदर, वो घर आके अपनी माँ को कहती थी, वाई कांट यू ऑल्सो कलर यूर हैंड लाइक फातिमा काकू, तुम भी फातिमा काकू की तरह अपने हाथों को रंगती क्यों नहीं हो. काकू इज इक्वलेंट टू आंट, काकू किसके जैसा होता है, आंट के जैसा होता है इन लोकल लैंग्वेज, वहाँ की स्थानीय भाषा में. दिस कॉमेंट इरिटेटेड काशीबाई, इस कमेंट से काशीबाई को क्रोध आ जाता था. शी शेड, वो बोली, फातिमा कैन अफोर्ड टू कलर हर हैंड्स, फातिमा भी तो अपने हाथों को कलर कर सकती है, हाथों पे मेहंदी लगा सकती है. बिकॉज हर हस्बैंड वर्क्स, क्योंकि उसका पति काम कर लेता है. एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द किचन, और उसकी किचन में ही मदद कर देता है. और ये तेरे पापा ये तो कुछ करवाते नहीं, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती. सी सिट्स ऑन द बेड, वो बेड पर बैठी रहती है. एंड लिसन टू द रेडियो, और रेडियो सुनती रहती है. आई डू नॉट आई If I do that, अगर मैं ऐसा करूंगी, will your father come and work in the kitchen? क्या तेरे पापा आ जाएंगे रसोई में काम कर लेंगे, क्या तेरे पापा ऐसे भले आदमी हैं क्या. फातिमा भी would overhear their conversation, फातिमा भी उनकी बातें सुन लेती थी. But still she continued her friendship with little उषा, लेकिन फिर भी छोटी सी उषा के साथ उसकी दोस्ती बनी रही, जारी थी. When Fatima became pregnant, जब फातिमा प्रेगनेंट हो गई, बच्चा हो गया, मतलब उसके गर्भ में बच्चा ठहर गया. She became even lazier, वो और भी ज़्यादा सुस्त हो गई, और भी ज़्यादा लेजी हो गई. She eventually reached full term, उसको पूरा समय हो आया, बच्चा होने का पूरा समय हो आया. And a distant relative came to help Fatima, और एक दूर का रिश्तेदार, दूर की रिश्तेदार फातिमा की हेल्प करने आ गई. विद हर डिलीवरी, उसकी डिलीवरी में उसकी मदद करने के लिए कोई नाते रिश्तेदार में से कोई महिला आ गई. ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, देयर वाज ए फेस्टिवल इन द विलेज, गांव में एक फेस्टिवल था. एंड दत्तूराम एंड हिज फैमिली बैंड टू अटेंड इट, और दत्तूराम और उसके परिवार उसको अटेंड करने के लिए गए हुए थे. व्हेन दे केम बैक, जब वो वापस लौटे, फातिमा वी वाज नॉट देयर, फातिमा वी वहां पर नहीं थी. सी वाज ऑलरेडी इन द हॉस्पिटल, वह कहाँ पे थी, हॉस्पिटल में थी, इन क्रिटिकल कंडीशन, है ना, गंभीर स्थिति में. एंड हैड डिलीवर्ड ए सन, और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, किसने, फातिमा बी ने. द हाउस वाज इन कंप्लीट साइलेंस, घर में जब वो लौट के आए तो घर में पूरी तरह से क्या थी, शांति थी. बट द साइलेंस वाज डेफनिंग टू काशीबाई ईयर्स, लेकिन वो जो चुप्पी थी वो काशीबाई के कानों में खटक रही थी. वो सी स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू कर दिया.
शी वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी हुई, बिकॉज फातिमा बी वॉज इन द हॉस्पिटल, कि फातिमा बी कहाँ पे है, हॉस्पिटल में है, इन सच ए सीरियस कंडीशन, इतनी गंभीर स्थिति में. द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, दे लर्नड, उन्हें पता चला दैट फातिमा बी वॉज नो मोर, कि फातिमा बी अब नहीं रही. क्या हो गई, फातिमा बी की डेथ हो गई. हुसैन साहब वॉज लेफ्ट विद हिज न्यू बॉर्न सन, हुसैन साहब एक छोटे नवजात शिशु के साथ अकेले रह गए. द मिड वाइफ स्टेड फॉर ए मंथ एंड लेफ्ट, जो महिला आई थी रिश्तेदार, वो एक महीने के लिए रुकी और फिर चली गई. इट वॉज एन अपहिल टास्क फॉर हुसैन साहब टू लुक आफ्टर ए स्मॉल बेबी, एक छोटे बच्चे, एक महीने के बच्चे को रखना हुसैन साहब के लिए क्या था, एक पहाड़ के जैसा काम था. नीदर हुसैन साहब नॉर फातिमा बी हैड एनी रिलेटिव्स, ना तो फातिमा बी के ना ही हुसैन साहब के कोई ऐसे रिश्तेदार थे हु कुड टेक केयर ऑफ द लिटिल वन, जो उस छोटे बच्चे की क्या कर सकें, देखभाल कर सकें. मोस्ट ऑफ देम वर कुलीज, ज़्यादातर उनमें से क्या थे, बोझा ढोने वाले रिश्तेदार थे उसके. एंड ए न्यू बॉर्न चाइल्ड वुड ओनली बी ए बर्डन टू द रिलेटिव्स, और उन रिलेटिव्स को क्या लगता था कि नया बच्चे की हमारे लिए क्या हो जाएगा, फालतू में एक बर्डन होगा. दत्तूराम वॉज वेरी सिंपैथेटिक एंड अलाउड हुसैन साहब, दत्तूराम बहुत सहानुभूति रखते थे उससे, हुसैन साहब से, और उन्होंने उसको अलाउ कर दिया हुसैन साहब को टू वर्क लेस, कि तुम भैया कोई बात नहीं, बच्चे को संभालो, तुम थोड़ा कम काम कर लो, तुम्हारी बदले में मैं काम कर लूँगा इन द फील्ड, खेतों में. बट टेकिंग केयर ऑफ ए स्मॉल बेबी अलोन इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन एक छोटे बच्चे को रखना क्या था, बहुत कठिन काम था. वन नाइट, एक रात, द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग नॉन स्टॉप, एक रात वो बच्चे ने नॉन स्टॉप रोना शुरू कर दिया, चुप ही नहीं हो रहा. एंड काशीबाई कुड नॉट टेक इट, काशीबाई से रहा नहीं गया, रहा नहीं जा रहा उससे. शी फेल्ट दैट, उसने महसूस किया, इनफ वाज इनफ, बहुत हो गया अब, आफ्टर ऑल इट वाज ए लिटिल बेबी, एक छोटा बच्चा है ना, बहुत हो गया अब, क्या है ये, पहले रोई ना उसको देखो, है ना बेटा. महिलाएं चाहे भले ही लड़ाई कर लें, लेकिन ऐसे दिल की बुरी नहीं होती हैं आपस में, तो उसको क्या हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है उसको. ए वोमेन इज सो डिफरेंट फ्रॉम ए मैन, महिला एक पुरुष से इतनी डिफरेंट होती है. वेन इट कम्स टू रियरिंग ए चाइल्ड, जब एक बच्चे के लालन पालन की बात आती है, तो महिला क्या होती है, पुरुष से बिल्कुल डिफरेंट होती है. हर मदरली इंस्टिंक्ट मेड हर गो, उसकी मातृ की जो वो थी भावनाएं, वो जाग उठी, किसकी, काशीबाई की, जो मातृत्व था वो जाग उठा. उसने हर गो नेक्स्ट डोर, और उसने वो उनके दरवाजे पे गई, एंड टैप ऑन हुसैन साहब डोर, और हुसैन साहब के दरवाजे पे खटखट उसने कर दी, विदाउट इवन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, अपने पति को भी इंतजार उसने नहीं किया. व्हेन हुसैन साहब ओपन्ड द डोर, जब हुसैन साहब ने दरवाजा खोला, सी टोल्ड हिम, उसने उनसे कहा, हुसैन साहब गिव मी द बेबी, बेबी को मुझे दे दीजिए. आई एम ए मदर, मैं एक माँ हूँ, आई नो हाउ टू हैंडल हिम, मैं जानती हूँ कि उसे कैसे हैंडल किया जाएगा.